नमस्कार दोस्तों, आगे आने वाली है दिवाली और इस दिवाली के वेकेशन में हर कोई जाता है घूमने के लिए बाहर। सो मोस्ट ऑफली हमारे घर, फैक्ट्री, ऑफिसेज होते हैं एकदम ब्लैंक, यानी होती है छुट्टी। अब इन छुट्टियों के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जब हम घर छोड़कर चले जाते हैं बाहर और घर के अंदर कोई नहीं होता, तो घूमते घूमते दिमाग के अंदर एक टेंशन होती है कि यार घर की सिक्योरिटी कौन देख रहा है। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इसी बारे में है कि जब आप घर छोड़कर जाते हैं, जब ऑफिस छोड़कर जाते हैं, जब फैक्ट्री छोड़कर वेकेशन मनाने के लिए जाते हैं, तब आपके घर की सुरक्षा कौन करने वाला है, इसके लिए आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए घर छोड़ने से पहले इन दिवाली वेकेशंस के ऊपर। तो आज का जो वीडियो है वो इसी बारे में है। और इसके पहले आज का जो मेरा पोल है वो इस बारे में है कि जो हमारी आगे आने वाली एक सीरीज है जिसके अंदर मैं दो चीजों के अंदर कंफ्यूज हूँ, एक है सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम्स, इसकी पूरी की पूरी एक सीरीज बनाने वाला हूँ, और दूसरा है हमारे पास में मोशन डिटेक्शन जो कि ऑटोमेशन से रिलेटेड है, और उन मोशन डिटेक्टर्स को यूज करके आप घर की एनर्जी को बचा सकते हैं, यानी कि आप आपका पावर कंज्यूम जो हो रहा है उसको कम कर सकते हैं और उसको और एडवांस वे में कैसे यूज कर सकते हैं एज अ सिक्योरिटी सिस्टम में भी। तो ये जो दो चीजें हैं और ऊपर जो पोल चल रहा है, तो आप मुझे बताइए कि आप अगली सीरीज कौन सी देखना चाहोगे, सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम पर या फिर मोशन डिटेक्टर्स के ऊपर। तो आज का जो हमारा वीडियो बनने वाला है वो है दिवाली वेकेशन पर घर की सुरक्षा, ऑफिस की सुरक्षा कैसे करें। तो मेरा नाम है भरत जैन, आप देख रहे हैं भरत जैन यूट्यूब चैनल को। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, और हाँ इस बार तो आपको शेयर करना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपके दोस्तों के लिए, आपके रिलेटिव के लिए बहुत ही काम का वीडियो हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज की इस वीडियो। पहले बात करते हैं कि जहां पर जिस घर, ऑफिस या फैक्ट्री पर ऑलरेडी सिस्टम्स लगे हुए हैं, यानी कौन से सिस्टम्स, सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम, अदर जो अलार्म सिक्योरिटी सिस्टम्स हैं और दूसरे भी जो उन्होंने अलार्म डिटेक्शन के लिए, शटर के लिए या फिर वीडियो डोर फोन के लिए यूज किए हैं, तो वो जो सिस्टम ऑलरेडी लगे हुए हैं, तो उन चीजों के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास में क्या टिप होनी चाहिए। तो सबसे पहले जब भी आप घर छोड़ने वाले हैं, मतलब कि आप दिवाली पे या फिर दिवाली के करीबन एक दिन दो दिन के बाद में या फिर दिवाली के एक दो दिन पहले अगर आप घर छोड़ने वाले हैं, आप घूमने के लिए जा रहे हैं, तो मैं अभी से आपको बोलूंगा कि आप सबसे पहले आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स को अच्छे से चेक कर लीजिए, क्या कोई कैमरा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, क्या उसके अंदर स्टोरेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो कितने दिन का हो रहा है, जितने दिन के लिए आप जाने वाले हैं उतने दिन का बैकअप उसके अंदर है या नहीं है, तो ये आपको चेक करना है। अगर यहाँ पर आपको कहीं पर भी एक छोटा सा भी फॉल्ट दिखाई दे, मतलब कि यहाँ पर स्टोरेज, अगर आप घूमने के लिए जा रहे हैं 10 दिन के लिए लेकिन आपका स्टोरेज है ओनली 7 डेज का, यानी कि आप बैकअप ओनली 7 दिन का लेके चल रहे हैं, तो आप उसको आपको वहां पर एक गौर फरमाना पड़ेगा कि आपको इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर कोई कैमरे के अंदर क्लियरिटी नहीं आ रही है तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगर कोई कैमरे में वेव्स आ रही हैं तो वो आपको चेकआउट करना है। कई जगह पर ऐसा हो सकता है कि कैमरा ना हो, मतलब आपकी वहां पर जरूरत है लेकिन आपने वहां पर कैमरा नहीं लगाया हुआ है, तो आपको वहां पर एक कैमरा इंस्टॉल करना है। तो सबसे पहले आपके जो भी सिक्योरिटी सिस्टम के वेंडर्स है जिससे आपने सिक्योरिटी सिस्टम्स लगवाए हैं या फिर जिनकी सर्विसेज आप यूज कर रहे हैं, जिनको आपने एएमसी दिया हुआ है, तो उनसे पहले ही प्री बुक करवा लीजिए क्योंकि उनके पास में भी काम काफी सारा होगा, वो भी काफी सारे बिजी होंगे और दिवाली के टाइम के ऊपर उनकी भी जो टीम होगी वो भी छुट्टी पे जा रही होगी। तो सबसे पहले आप उनसे एडवांस में चलिए, प्री बुक करवा लीजिए, उनको बता दीजिए कि भाई मेरा सिस्टम के अंदर ऐसी ऐसी कुछ प्रॉब्लम्स है, सो फिर एक बार आप आके चेक कर लीजिए, तो 110% वहां पर जो आपका सिस्टम फेल होने का चांसेस होगा वो काफी कम हो जाएगा, वो जो सिक्योरिटी की जो कंपनी है वो आपका जो सिक्योरिटी सिस्टम है उसकी हेल्थ चेकअप कर लेंगे। तो ये एक एडवांस तरीका है, आप पहले से प्रिपेयर रहिए कि आपको बाहर जाना है तो आप आपके सिक्योरिटी सिस्टम को चेक करवा लीजिए। अब ये तो बात थी कि जिन्होंने ऑलरेडी सिक्योरिटी सिस्टम लगवा लिए वो ऑलरेडी आप सब लोगों से एडवांस है, जिन्होंने नहीं लगवाए हैं ओके, तो अब बात करते हैं कि जिन्होंने अभी तक सिक्योरिटी सिस्टम नहीं लगवाए हैं उन लोगों को क्या करना है, यानी कि जिनका घर है, जिनकी ऑफिस और फैक्ट्री है। तो मोस्ट ऑफली क्या होता है कि कई लोगों ने सिक्योरिटी सिस्टम इस वजह से नहीं लगाए होते हैं क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, या तो फिर उनके कुछ घर के ही लोग आपकी फैक्ट्री में और ऑफिस में काम कर रहे हैं कि जहां पर कोई डाउट नहीं है, इसलिए उनको ऐसा लगता है कि अभी बजट नहीं है हमारा सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए, तो वो इस चीज को डिले करते हैं। लेकिन यहां पर आप जा रहे हैं 7-8 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए घूमने के लिए,
लिए। तो आप आपके बजट को ध्यान में रखते हुए, भले मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप पूरा का पूरा वहां पर सिक्योर कर ले, आपका जो बजट है वो आप वहां पर लगा दें, ऐसा नहीं करना है आपको। अगर आपका बजट अलो नहीं करता है, आपकी अगर पॉकेट अलो नहीं करती है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको जहां पर लगता है कि यहां पर एक कैमरा होना चाहिए, तो मार्केट के अंदर काफी सारे कैमराज अवेलेबल है जो स्टैंड अलोन होते हैं। मतलब यहां पर आपको कोई बड़ा बजट नहीं डालना पड़ रहा है, आप 4000 से लेके 8000 तक की रेंज में आपको काफी सारे कैमराज मिल जाएंगे, जिसके अंदर आप एक सिंगल कैमरा लगा सकते हैं। आप मेमोरी कार्ड इसके अंदर इंस्टॉल कर लीजिए, स्टैंड अलोन है, जस्ट प्लग इन प्ले कैमरा होता है वो। अगर आप आपके घर में या फिर आपकी ऑफिस में जहां पर आपको बहुत ज्यादा जरूरत है, या फिर जो एंट्री के पॉइंट है वहां पर आप वो कैमरा लगा देते हैं, तो आप सिक्योर हो जाएंगे। महज आप 4000 से लेके 8000 तक के खर्चा करके आपके जो लाखों करोड़ों रुपए की एसेट्स है उसके ऊपर आप एविडेंस को कलेक्ट कर सकते हैं। भगवान ना करे आपके साथ में, आपके जाने के बाद में अगर ऐसा कुछ होता है, तो एटलीस्ट आपके पास में ऐसा एविडेंस होगा। एक सिंगल कैमरा आप जरूर लगवा सकते हैं। दूसरी मैं बात करता हूं कि अगर ठीक है आपने एक कैमरा लगा लिया, लेकिन आप मोशन डिटेक्टर्स का यूज बहुत अच्छे से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपका घर है, आप घर के अंदर तो मोस्ट ऑफली आपकी लाइट्स बंद करके जाने वाले हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उन लाइट के साथ में सिर्फ 1000 से 1500 रुपए की रेंज के अंदर आपको कई सारे मोशन डिटेक्टर्स मिल जाएंगे, जो कि मोशन के ऊपर कोई भी लाइट को ऑन और ऑफ करता है। मतलब आप घर में नहीं है, अगर कल को घर के अंदर कोई भी फोर्सफुल एंट्री होती है, या फिर आपकी ऑफिस की प्रीमाइसेस, या फिर आपकी फैक्ट्री की प्रीमाइसेस जहां पर कोई नहीं है, वहां पर किसी की एंट्री होती है आपकी परमिशन के बगैर, या फिर परमिशन लेके भी अगर कोई एंट्री करता है, तो जैसे ही मोशन करेगा, मतलब वो आपकी प्रीमाइसेस के अंदर एंटर करेगा, तो वहां की लाइट ऑन हो जाएगी। और जैसे ही लाइट ऑन होगी, तो जो पर्सन जिसने फोर्सफुल एंट्री की है, अगर वो गलत नियत से आपकी प्रीमाइसेस के अंदर आया है, तो वो डर जाएगा और वो वहां से भाग जाएगा। तो ये एक तरीका है कि महज आप 1000 से 1500 रुपए इन्वेस्ट करके आप कुछ ऐसे मोशन डिटेक्टर्स आप एंट्री के गेट पर, आपके हॉल पर, या फिर आपके बाउंड्री वॉल्स के आसपास में लगा सकते हैं, और आप अपने घर को सिक्योर कर सकते हैं। आगे मैं बात करूंगा कि जो लोग बहुत ज्यादा मतलब ज्वेलरी है, या फिर समझ सकते हैं कि कुछ कॉस्टली चीजें अपने घर के अंदर रखते हैं बराबर, तो उनको सिक्योरिटी सिस्टम को इंस्टॉल करना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि चलिए कैमरास तो आपने लगाए हुए हैं, तो कैमरा क्या करता है कि जब कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई इवेंट हो जाता है, इसके बाद में आप ये देख सकते हैं कि आपके घर में कौन गया था और आगे क्या हुआ था। बट सिक्योरिटी सिस्टम एक ऐसी डिवाइसेज है, एक ऐसा सिक्योरिटी सिस्टम है कि जब आपके घर के अंदर, आपकी फैक्ट्री और आपकी प्रीमाइसेस के अंदर फोर्सफुल एंट्री होती है, तो उसी टाइम पर आपको अलर्ट कर देता है, या तो सायरन बजा देगा। अगर आप सायरन नहीं लगाना चाहते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको फोन के साथ में कनेक्ट कर लीजिए। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपके फोन के ऊपर बेल आ जाएगी। अगर बेल आएगी तो आप आपके नेबर को, आप आपके सिक्योरिटी वॉचमैन को आप बोल सकते हैं कि शायद मेरे घर में कुछ हुआ है, तो वो आप एक बार जाकर देख लीजिए, तो आप वहां पर भी बच सकते हैं और अपने घर और अपनी प्रीमाइसेस को सिक्योर कर सकते हैं। अगेन आगे की बात करते हैं, तो कुछ जगह ऐसी होती हैं, चाहे आपकी फैक्ट्री हो गई, या फिर जहां पर बहुत बर्न टाइप का मटेरियल होता है, मतलब जो ज्वलनशील मटेरियल होता है, तो वहां पर आपको स्मोक डिटेक्टर्स, फायर फाइटिंग सिस्टम आपको इंस्टॉल करना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि फायर फाइटिंग सिस्टम बहुत महंगे आते हैं, इसमें भी बहुत सारे स्टैंड अलोन डिवाइसेज है। क्योंकि देखो दिवाली का टाइम है, तो दिवाली के टाइम पर कई लोग पटाखे चलाते हैं, और जब वो पटाखे चलाते हैं, तो वो पटाखा या फिर वो रॉकेट कहीं उड़कर आपके घर में आ गया, या फिर आपकी उस प्रीमाइसेस के अंदर आ गया और कहीं आग लग गई, तो आपकी लाखों करोड़ों की एसेट जलकर खाक हो सकती है। तो वहां पर आप अगर फायर अलार्म सिस्टम लगा देते हैं, तो अगर स्मोक होता है तो वो आपको मोबाइल फोन के थ्रू अलर्ट कर देगा। तो ये सब चीजें कुछ ऐसी है जो अगर आप पहले से अलर्ट हो जाते हैं, तो आप आपका नुकसान बचा सकते हैं। आप पीस ऑफ माइंड, मतलब बोलते ना एकदम शांति के साथ में, आप कहीं पर भी घूमने के लिए जा रहे हैं तो आपको कोई टेंशन नहीं है, और इस तरह से आप बहुत अच्छा एंटरटेन कर सकते हैं जहां पर भी आप घूमने के लिए जा रहे हैं। क्योंकि आप लोग तो सब जानते ही है कि हम मेडिक्लेम भी करते हैं, इंश्योरेंस भी करते हैं, वो क्यों करते हैं? हम ये नहीं चाहते कि हम जल्दी मर जाने वाले हैं, या फिर हम ये भी नहीं चाहते कि मैं बहुत जल्दी बेड पे जाने वाला हूँ, मतलब हॉस्पिटल पे जाने वाला हूँ, फिर भी हम लोग करके रखते हैं। बिकॉज ऑफ ये सब हमारे सिक्योरिटी ऑप्शन है कि भगवान ना करे कल को हमारे साथ में कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता है,
तो क्या, तो उसके लिए हम लोग इंश्योरेंस करके रखते हैं, वैसे ही मेडिक्लेम भी करके रखते हैं। तो ये भी कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स ऐसे ही होते हैं जो कि आपको इसी तरह से हेल्प करेंगे। आपको नहीं पता कि आपकी जिंदगी में आगे क्या होने वाला है, लेकिन आपके पास में इस तरह के अलार्म सिस्टम्स लगे हुए हैं, तो आप वहां पर अपने नुकसान को कम कर सकते हैं या फिर पूरा का पूरा बचा सकते हैं। तो ये जो दोनों चीजें थी वो मैंने बताई कि जिनके यहाँ पर लगे हुए हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको किन चीजों का ध्यान रखना है, किन बातों का ध्यान रखना है, और जिन लोगों ने नहीं लगाए हैं उनको क्या करना है। आगे के तीन और चार पॉइंट में ऐसा है, कुछ जो सोसाइटी हैं, जो मार्केट्स हैं, बड़े बड़े टेक्सटाइल हब हैं या फिर शॉपिंग मॉल्स हैं, तो वहां पर क्या होता है कि एकदम सन्नाटा होता है। दिवाली के बाद का टाइम कुछ ऐसा होता है कि मोस्ट ऑफली लोग घूमने के लिए निकल जाते हैं, वहां पर कोई भी नहीं होता, तो वहां की जो सिक्योरिटी है वो एकदम पस्त हो जाती है, वो इतने अलर्ट नहीं रहते। तो वहां पर क्या करना चाहिए, तो ऐसी प्रीमाइसेस में जहां पर आपका टेक्सटाइल मार्केट है या फिर बहुत बड़े मार्केट है, सुपरमार्केट्स हैं, मॉल्स हैं या फिर रेसिडेंशियल सोसाइटीज है, क्योंकि सोसाइटी भी मोस्ट ऑफली खाली हो जाती है, लोग घूमने के लिए गए हुए हैं, तो वहां पर आपके जो सिक्योरिटी गार्ड है आप उनको बोलोगे कि भाई आपको राउंड मारने हैं, आपको रात में 4 राउंड मारने हैं, दिन में 2 राउंड मारने हैं, लेकिन आपको तो अच्छे से पता है कि ऐसा कई बार होता है और कई बार नहीं होता है। तो वहां पर भी कुछ गार्ड सिस्टम्स आते हैं, गार्ड ट्यूर सिस्टम जिसको बोलते हैं, अगर आप वो एक बार इन्वेस्ट कर लेते हैं तो आप आपके सिक्योरिटी गार्ड के ऊपर पूरा मॉनिटरिंग कर पाएंगे, आप ये पूरी रिपोर्ट देख पाएंगे, बहुत इजी होता है और ऐसा बोल सकते हैं कि इजी टू इंस्टॉल, इजी टू एक्सप्लेन, इजी टू हैंडल है। अगर वो आप कर लेते हैं तो आपके सिक्योरिटी गार्ड क्या सच में आपकी प्रीमाइसेस के ऊपर राउंड बराबर लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे हैं, उसकी भी रिपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो ये जो सॉल्यूशन है वो ऐसे लोगों के लिए है जो कि मार्केट के प्रेसिडेंट्स हैं, पूरा मॉल हैंडल कर रहे हैं या फिर रेसिडेंशियल सोसाइटी हैंडल कर रहे हैं, वहां पर आप थोड़ा सा खर्च करके आप इस तरह के सिस्टम लगा दीजिए ताकि आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है जिसको आप सैलरी पे आउट कर रहे हो वो प्रॉपर ड्यूटी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसके बारे में आप सोच पाए। अगला जो पॉइंट है उसके अंदर मैं आपको ये बोलूंगा कि अगर आपकी जो प्रीमाइसेस है, आपका जो घर है, वहां पर आप स्टिकर लगा दीजिए कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस और यू आर अंडर सिक्योरिटी अलार्म सिस्टम्स। यानी कि जब भी ये स्टिकर लगता है तो मैं आपको 110% बता रहा हूं, देखिए हमें यहां पर किसी को पकड़ना नहीं है, जितना हो सके हमें उन क्रिमिनल्स को रोकना है। ओके, अगर वो वहां पर ये देखता है कि आप अंडर सर्विलेंस हो तो बहुत सारे ज्यादा चांसेस ऐसे हैं 80% कि वो वहां पर ऐसी कोई गलत एक्टिविटी नहीं करेगा, राइट। तो इन सब चीजों से साइकोलॉजिकल बहुत फर्क पड़ता है, तो आप वहां पर इस तरह के स्टिकर भी यूज कर सकते हैं कि यू आर अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस 24 आवर वर्किंग, तो इससे काफी चीजों का फर्क पड़ जाता है। अगले जो दो सिस्टम्स के बारे में बता रहा हूँ वो थोड़े एडवांस है, वहां पर आपका पॉकेट अगर अलो करता है तो आपको करना चाहिए, जैसे कि वीडियो डोर फोन्स है। तो वीडियो डोर फोन्स तो एक रेगुलर वीडियो डोर फोन होता है और एक होता है स्मार्ट वीडियो डोर फोन। तो मैंने पहले भी वीडियोस बनाए हुए हैं कि स्मार्ट वीडियो डोर फोन क्या होता है, आप मेरे पहले वाली सीरीज के अंदर जाके देख सकते हैं कि वो वीडियो डोर फोन कैसे काम करते हैं। तो ये वीडियो डोर फोन में क्या होगा कि आप घर के अंदर नहीं है लेकिन कोई विजिटर्स आते हैं आपके घर पर, कोई गेस्ट आ रहा है या फिर कोई और आ रहा है जिनको आपसे कुछ काम है, तो वो जैसे ही डोरबेल को दबाएंगे तो सीधा वीडियो कॉल आपके मोबाइल फोन के ऊपर आ जाएगा। ओके, और वहां पर आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं। और आगे की जो टेक्नोलॉजी है इसी वीडियो डोर फोन के साथ में एक स्मार्ट लॉक भी जुड़ जाता है, अटैच हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। तो जब वो वीडियो डोर फोन दबाएगा, आप उससे बात करोगे, अगर लगता है कि उसको आपको घर के अंदर जाने की परमिशन देनी है, वो आपकी मेड हो सकती है, वो आपकी नौकरानी हो सकती है या फिर कोई आपके बहुत अंगत जो बोलते हैं ना रिश्तेदार वो हो सकते हैं, तो आप आपके मोबाइल के अंदर सिंगल एक बटन दबाएंगे, आपके घर का जो डोर है वो ओपन हो जाएगा और वो वहां पर रुक सकते हैं, क्योंकि चाबी तो आप आपके पास में लेके गए हैं। तो इस तरह से आप एक स्मार्ट वीडियो डोर फोन और एक स्मार्ट लॉक भी आपके घर के अंदर एज अ सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा ऐसा वीडियो जिसके अंदर दिवाली वेकेशन पर आप आपके घर की, आप आपके फैक्ट्री की, आप आपके ऑफिस की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं और निश्चिंत होके पीस ऑफ माइंड होके आप आपके दिवाली वेकेशन को कैसे एंजॉय करें उस बारे में। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और हाँ, आपके फैमिली फ्रेंड्स के साथ में, आपके रिलेटिव्स के साथ में, आपके दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करिए ताकि वो भी अपने घर को, अपनी ऑफिस को अच्छे से सिक्योर कर पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज। आप मेरे इस चैनल के साथ में बने रहिए क्योंकि मैं इसके अंदर एक थीम को लेके चल रहा हूँ, दैट इज द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।